कोरोना महामारी से लड़ने की यूपी सरकार की तैयारियों को लेकर एक बार फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। कोरोना से लड़ने के इंतजामों पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि मौजूदा हालात में सूबे के गांव, कस्बों और छोटे शहरों में स्वास्थ्य सेवाएं राम भरोसे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा की बेंच ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बिजनौर का उदाहरण कोट किया। डीएम बिजनौर के मुताबिक 31 मार्च 2021 से 12 मई के बीच बिजनौर शहर में 26,245 और ग्रामीण इलाके में 65,491 की टेस्टिंग की गई। कोर्ट में दाखिल किए गए शपथ पत्र के मुताबिक बिजनौर के कुल 3 सरकारी अस्पतालों में 150 बेड, 5 बाईपेप मशीन, 17 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर और महज 250 ऑक्सीजन सिलेंडर मिले हैं। डीएम बिजनौर ने यहां तक कह दिया कि 32 लाख के लगभग ग्रामीण आबादी के लिए 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 300 बेड हैं, यानी एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 3 लाख की आबादी का भार और 30 बेड की उपलब्धता है, जो पूरी जनसंख्या का महज 0.01% है। इतना ही नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मेरठ मेडिकल कॉलेज में 64 साल के बुजुर्ग संतोष कुमार के आइसोलेशन वार्ड में मौत होने और उनके शव का लापरवाही के साथ लावारिस करार देकर अंतिम संस्कार कराने के मामले में ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और आश्रित परिवार को मुआवजा देने का आदेश दिया है। हालांकि कोर्ट के इस फैसले के बाद विपक्षी दलों ने भी सरकार पर हमला करना शुरू कर दिया है। सपा नेता अनुराग भदौरिया ने यूपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि आप WHO का ढोल पीट रहे हैं, लेकिन खुद कोर्ट का कहना है कि यूपी में स्वास्थ्य सेवाएं राम भरोसे हैं। कमाल है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की सरकार का और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। वो ये हल्ला मचाते चारों तरफ घूम रहे हैं कि WHO ने हमारी हेल्थ व्यवस्था की गांव की तारीफ की है, गांव में जो हमने व्यवस्था की उसकी WHO तारीफ कर रहा है। चारों तरफ फूले नहीं समा रहे हैं कि WHO तारीफ कर रहा है, WHO तारीफ कर रहा है। अरे भैया, इसी देश का उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद हाईकोर्ट उच्च न्यायालय कह रहा है कि गांव में जो व्यवस्थाएं हैं वो राम भरोसे हैं, गांव में सब कुछ राम भरोसे चल रहा है। मतलब वहां कोई व्यवस्थाएं नहीं है, वहां लोग बीमार हो गए, बीमार होकर लोगों की मौतें हो जाए, कोई देखने वाला नहीं है। इससे ज्यादा शर्म की बात किसी सरकार के लिए हो सकती है क्या? ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।